स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं उसके सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की सटासट खबरों पर। जालौर के नेहर क्षेत्र में टिड्डी का कहर जारी, किसानों की फसलें हुई चौपट। मंत्री सुखराम विश्नोई का 3 दिन से नेहर में डेरा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का जालौर दौरा, 22 जनवरी को भीनमाल आने का कार्यक्रम। एबीवीपी के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, भाजपा नेता व पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। सवाई माधोपुर नगर परिषद में पार्षद पति की गुंडागर्दी, कार्यालय में 2 बाबू और कैशियर से की मारपीट, कार्यालय के फर्नीचर एवं कंप्यूटर में भी तोड़फोड़ की गई। बीकानेर में टिड्डी का प्रकोप जारी, प्रशासन और जनप्रतिनिधि पहुंचे किसानों के पास। विधायक गोविंद राम मेघवाल और जिला कलेक्टर कर रहे प्रभावित क्षेत्र का दौरा, किसानों की समस्या से हो रहे हैं रूबरू। लवाण में पुलिस से ग्रामीण विवाद मामले में आया नया मोड़, लवाण में सैकड़ों महिला पुलिस पहुंचे दौसा। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा है साथ, पुलिस पर महिलाओं से मारपीट का आरोप। सचिन पायलट को 22 जनवरी को 6 साल पूरे हो जाएंगे। पीसीसी चीफ पायलट के पदभार ग्रहण को 6 साल पूर्ण, 6 साल पहले 22 जनवरी को किया गया था पदभार ग्रहण। कल 4 बजे पीसीसी में सचिन पायलट ने पत्रकारों को बुलाया, राहुल गांधी दौरे समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधा देने से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट में जवाब के लिए राज्य सरकार ने मांगा समय। राज्य सरकार बनाएगी पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर पॉलिसी, पॉलिसी बनाने को लेकर मांगा गया समय। 28 जनवरी को जयपुर दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, सीए और आर्थिक मंदी को लेकर करेंगे संवाद। सटासट खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।